हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने गार्डन की सोई कैसे रेडी करें। आज जैसे लोग, आपको पता ही, लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोग घर में बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं, अपना टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ, अपना नॉलेज, मतलब मेरी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने कैसे अपना गार्डन सेट किया। तो आज जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ खाली डब्बे हैं, कुछ खाली पॉट्स हैं, उनका इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ। उनमें मैं कुछ सब्जियाँ जो वेज उठाऊँगा, पर इन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छी सोइल रेडी करना। तो एक अच्छी सोइल रेडी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो आप जैसे देख सकते हैं, चांदनी आप एक बढ़िया दिखाएंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे मैंने भी फ्रेश एक कोकोपीट मंगाई है, आप देख सकते हैं, तो इसका ब्लॉक है, उसको मैंने 1/4 तोड़ा है और उसमें थोड़ा पानी मिला है, तो आप देख सकते हैं पानी मिला था कितने एक्सपेंड होगी। तो वी नीड, हमें क्या चाहिए, हमें कोकोपीट चाहिए, हमें थोड़ी रेत चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक गमला रेत है, एक गमला कोकोपीट है, एक गमला कंपोस्ट है, गोबर जो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, बहुत अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हमने घर में प्रिपेयर किया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा अगले वीडियोस में कि आप अपने घर में किस तरह कंपोस्ट बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने किचन के वेस्ट के थ्रू। आप साथ में देख सकते हैं हमारे पास कुछ पत्थर हैं, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। और आप ये भी देखिए, तो हमारे पास कुछ राख है, ये बूट कुछ बूट का कचरा हो जाता है, पत्तों का कचरा हो जाता है, तो उसको जला के कुछ हमने बनाया, क्योंकि यहाँ थोड़ी मिट्टी में कुछ कीड़ों की प्रॉब्लम है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप कुछ राख डालें, ये अच्छा हाइजीन मेंटेन करती है और कीड़ों वगैरह से दूर रखती है। और ये हमारी गार्डन की मिट्टी है, मतलब हमने नीचे से रोड से अभी साइड में कटा दो से वहाँ से मिट्टी मंगाई है। तो हमारे पास अब 4-5 चीज़ें हैं, कोकोपीट, रेत, कंपोस्ट, कुछ स्टोन, मिट्टी एंड राख। तो अब हम क्या करना है, हमें इन सबको मिलाना है। तो मिलाने के लिए इसका एक अनुपात है, आप उसका उसको बराबर अनुपात करके उसको मिलाना होता है, आप ऐसा नहीं कि सारा मिला सकते हैं। तो परसेंटेज क्या है, यूजली जैसे हमें एक गमला बनाना, जैसे ये गमला बनाना है, तो मैंने अभी एक गमला रेत लिए, एक 1.5 गमला मैंने कम लिए है, एक गमला मैं कस लिए है, तो अराउंड 20-25% आप ये चीज़ें लेंगे। तो मेरे पास अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक गमला रेत मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। रेत डालने से क्या होता है, मिट्टी में इससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है और रूट्स काफ़ी इजीली अच्छे से सेट हो जाती है। पानी का ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो रूट्स हेल्दी रहेंगी, उसमें ऑक्सीजन का तब फ्लो अच्छा रहता है, और आप कुछ खाद ऊपर से एक्स्ट्रा कभी डालते हैं तो वो अच्छे से नीचे तक चली जाती है। तो अब हमें सेम क्वान्टिटी में, जैसे मैंने ये लिया है, तो मैं सिमम क्वान्टिटी में कोको पीस लूँगा, तो ये भी अराउंड 20-25% हमें कोको पीस में ये, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट इसके बराबर इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप मिक्स भी कर सकते हैं, जो या तो हम बाद में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने अराउंड ऑलमोस्ट रेट की सेम क्वांटिटी में मैंने ये कोको पीस डाल दिया। कोको पीस ऐसी चीज़ है, जैसे आप ये देखिए, ये छोटा सा ब्लॉक आता है, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा है, बट अगर इसका छोटा सा भी पीस लेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो ये इसे 4 times ज़्यादा या 5 times ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, मैंने इतना छोटा सा पार्ट लिया था और ये ऑलमोस्ट एक्सपेंड हो गया, अभी भी कुछ ड्राई है, और जैसे हम इसमें पानी डालेंगे बहुत हो जाएगा। तो देखो, अभी आप देखिए कितनी सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसी तैयार हो गई है, ठीक है। तो हमने अभी रेत और ये कोकोपीट डाल दिए, अब हम इसके साथ हमें चाहिए कंपोस्ट। तो कंपोस्ट हमें ज़्यादा भी नहीं डालनी होती, कंपोस्ट का भी अनुपात होता है, नहीं तो मिट्टी का कंसंट्रेशन लेवल गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डाल दें, इसका भी अनुपात अराउंड 15-20% होता है, और बाद में 1-2 महीने बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी डाल सकते हैं, वो धीरे धीरे चलेगी। तो मैं अभी इसको ज़्यादा नहीं डालूंगा, सिर्फ 15% डालूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ गमला समझ, मेरे पास 4 गमले, उनको 7 गमला कंपोस्ट डालूंगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसी पत्तियों से बनी है, मेरे घर की पत्तियों, किचन के पेस्ट से बनी है। इसको हमने अच्छे से पीस लिया था, पीट लिया था, तो आप देखिए, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ, आप देखिए। तो हमने अभी कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट डाल के एक अच्छा सा मिक्स बना दिया, ये बहुत ही स्पॉन्जी मिक्स बना है। तो
आप देख सकते हैं अराउंड 60% चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है, मतलब हमने 20-20 या 50% रेडी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब मैं सेम अनुपात के अंदर इसके अंदर मिट्टी डालूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मिट्टी की कलर करी, इसको हम इसमें अच्छे से डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ पत्थर आया तो आपने उसको उठा देना है, पत्थरों को निकाल निकाल सकते हैं, जितने पत्थर है पत्थर भी हम निकाल देंगे। कुछ पत्थर भी आ गए हैं बड़े बड़े, पत्थर निकाल लेंगे और कुछ घास की जड़ें दिखे उनको भी हम अलग कर तो मिक्स करने के लिए देखते होंगे, नोटिस कर रहे हैं मैंने अभी इसमें राख नहीं मिलाई है। राख हम जनरली क्यों मिलाते हैं, कई बार मिट्टी में कीड़ा लग जाता है, मतलब चीड़ी कीट मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, दीमक वगैरह आ जाती है, तो ये उसको दूर रखता है। सर कुछ पौधे हम यहाँ लगाना चाहते थे इसलिए मैं एक अच्छा बोर्ड लगा, आप देख सकते हैं इसमें ड्रेनेज के होल्स हैं तो थोड़े से भरे हुए हैं देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा गमला होने के लिए हमें इसका ड्रेनेज अच्छा करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पत्थर लेंगे, पत्थरों को यहाँ डालेंगे। पत्थर डालने से क्या होता है नीचे सबसे पहले कि इसके मिट्टी जो होल्स होते हैं, मिट्टी के होल जो गमले के होल होते हैं वो भरते नहीं है, वो जाम नहीं होते, वो पानी अगर एक्सेस में अगर पानी डाल दे तो उसका फ्लो रहता है। और पत्थर डाल दिए, अब मैंने आपको राख के बारे में बताया था, कई बार क्या होता है पौधों में राख के बाद कीड़े लग जाते हैं, छिड़कियाँ कीड़े आ जाते हैं, तो राख क्या करता है इन चीज़ों से इन पौधों को बचाता है। तो थोड़ी सी मैं राख में रोक दूँगा, ये कल पास में जिसने आग लगाई थी तो मैं वहाँ से थोड़ी सी राख और मिट्टी का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये डाल दिए तो ऑलमोस्ट हमने चीज़ें अलग कर दिए, अब इसमें थोड़ी सी मैं फिर से राख मिला दूँगा ताकि इसमें कीड़े वगैरह नहीं हो। हमारे यहाँ पर कुछ चीटियों कीड़ों की और थोड़ी दीमक की प्रॉब्लम रहती है, ये मिलाने से आप काफ़ी हद तक इनसे बचे रहते हैं। तो मैं एक अच्छी मात्रा में इसमें मिला दिया राख को, अब धीरे से आपको ज़्यादा दबाना नहीं है इसे, अब धीरे से इसको क्लीन कर दें, स्पॉन्जी मिट्टी है एकदम। हमारा एक गमला रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ बीज डालेंगे, जो हमारे पास कुछ सब्जियों के बीज हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप इंटरेस्ट हो। आज का वीडियो बस यही था कि आपको हम एक अच्छी सोइल बनाना कैसे सिखाएं, आप सेम प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे बाकी गमलों के लिए। आप साथ में और देख सकते हैं हमारे पास पीछे कुछ डब्बे हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम है आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ के लिए आप अपने ऑयल के डब्बों को इस तरह कट कर लें। अभी हमें कुछ सब्जियाँ पत्तेदार सब्जियाँ उगानी तो हमें एरिया ज़्यादा चाहिए, तो हमने इस तरह कट किया है इसका एरिया ज़्यादा बड़ा हो और डेप्थ कम हो, तो कुछ अच्छे से छेद भी किए हमने इसमें, सब कुछ इस तरह कट किया। अभी ये टेम्परेरी पर्पज़ है कट,